हाय एवरीवन, मुंबई में तो इतनी बारिश हो रही है ना कि घर में ही रहना सेफ है। बारिश लगभग सबको पसंद होती है, मुझे भी है क्योंकि मेरा बर्थ मंथ भी यही है, पर इतनी ज़्यादा बारिश मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद होगी। तो आज की वीडियो है एक कैजुअल ब्लॉग और मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इस जामुन शॉर्ट से जो कि मेरे भाई ने बनाया है। खट्टा मीठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो ट्राई ज़रूर करना। जामुन मेरी फैमिली में सबको पसंद है। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे घर के सामने एक घर था और वहाँ जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। अरे मतलब था नहीं, वो अभी भी वहीं पे ही है, मतलब मैं वहाँ नहीं हूँ। और हम लोग छोटे में थे ना, तो हम लोग वहाँ से बहुत जामुन खाते थे। जामुन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी एंड रेडिएंट बनाता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जामुन में विटामिन सी एंड आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और आयरन ब्लड प्यूरिफायर की तरह एक्ट करता है। तो इतने बेनिफिट वाले फ्रूट को छोड़ के अगर आप अभी भी जंक फूड वगैरह खाओगे तो स्किन प्रॉब्लम एंड हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे ही ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी सुबह सुबह ये पार्सल आया, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आया है। चलो ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी हम सब शूट करते हैं, तो मैंने ये एक और रिंग लाइट मंगा लिया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। पर जो लाइट आई ना, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। मतलब अमेजोन वालों, ऐसा करोगे अब? अभी ये एक्सचेंज किया है, देखो कब तक आता है न्यू। अभी यहाँ बारिश का मौसम है, तो यहाँ दिन भर इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना कि घर में नेचुरल लाइट नहीं मिलती है, इसलिए मैंने इस बार ये थोड़ा बड़ा वाला मंगा लिया है। पहले जो मेरे पास था वो छोटा रिंग लाइट था, बहुत छोटा रिंग लाइट था। वैसे तो ये मुझे अच्छा लगा, बस इसमें जो चीज़ें मिसिंग है उसकी वजह से हम इसे अटैच नहीं कर सकते हैं और इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अब एक्सचेंज पे डाला है, तो जब न्यू आएगा तो ही मैं इसे यूज़ कर पाऊंगी और तब इसका असली पता चलेगा कि ये कैसा है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। अभी जस्ट मैंने नहाया है और बॉडी केयर करने के बाद यहाँ मैं स्किन पे डर्मोको का सीका रेंज ट्राई कर रही हूँ। सीका में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ए बी सी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये इरिटेटेड स्किन को सूथ एंड इनफ्लेम्ड स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव एक्ने प्रोन है तो ये रेंज परफेक्ट है आपके लिए। सबसे पहले मैं यहाँ डर्मोको का 2% सीका ग्लो डेली फेस वॉश अप्लाई कर रही हूँ। ये डर्ट एंड ऑयल को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल डैमेज को रिड्यूस एंड स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है। इसको अप्लाई करके फ्यू मिनट्स जेंटली मसाज करूंगी और फिर वॉश करने के बाद मैं सेम रेंज का सीरम अप्लाई करूंगी। स्किन को क्लीन, क्लियर एंड वाइब्रेंट बनाए रखने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग से एक्सेस ऑयल एंड डेब्रीज रिमूव होते हैं और ये पोर्स को अनक्लॉग्ड रखते हैं ताकि ट्रीटमेंट डीपली पेंट्रेट हो और इफेक्टिवली वर्क करे। ये 10% सीका ग्लो फेस सीरम बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को इवन करने के साथ हेल्दी ग्लो देता है। इसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से स्प्रेड करो, फिर हैंड से डैब डैब करके प्रेस करो ताकि सीरम अच्छे से स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। फिर आप मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर सीरम को लॉक करेगा एंड बैरियर की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट सीरम के बाद मॉइस्चराइजर भी अगर सेम रेंज का अप्लाई करें तो वो सोने पे सुहागा है, इसलिए मैं यहाँ 5% सीका ग्लो डेली फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है एंड स्किन नरिश्ड रखता है चेहरे पे ग्लो के साथ। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फ्रेग्रेंस, पैराबेन, सल्फेट एंड मिनरल ऑयल फ्री है। तो अगर आप एक्ने, पिंपल वगैरह से डील कर रहे हैं तो ये रेंज आप जरूर ट्राई करें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक करना मत भूलना। और जब भी आप डर्मोको से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी बच्चे की हेल्प करेंगे उनके एजुकेशन में। कैसे?
वो ऐसे कि डमा को आपके ऑर्डर को लिंक कर देगा एक बच्चे से, जिसे वो भूमि के साथ मिलकर उसे एजुकेट करने में हेल्प करेंगे। और उन्होंने ये प्लेज भी लिया है कि वो हर साल 10,000 प्लस स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। तो कितना अमेजिंग है ना। तो ऐसे काम को जरूर बढ़ावा देना चाहिए और आपको डमोको से जरूर प्रोडक्ट्स मंगाने चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सब कपड़े वगैरह जो मैंने कुछ टाइम पहले ही मंगवाया था। इनके साथ और भी कपड़े थे, वो मैं पहन चुकी हूँ, तो यही बच्चे हैं अभी जिनको मैंने अभी तक नहीं पहना है। सबसे पहले है ये अर्बनिक का बहुत ही क्यूट वो ए लाइन ड्रेस। इसका मटेरियल पॉलिएस्टर है एंड कैजुअल स्टाइल है। मुझे इसका ये नेक पैटर्न एंड बैक पे जो टाई करने वाला डिजाइन है ना, वो बहुत अच्छा लगा। बाकी फिटिंग तो इसमें सही है, बस पीछे से जहाँ टाई करने वाला डिजाइन है ना, उसके नीचे थोड़ा सा लूज लगता है, पर कोई नहीं, ठीक है, चलेगा। ओवरऑल लुक क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्यूट आता है इसका, तो चलेगा इतना तो। नेक्स्ट है ये मिंत्रा का क्रॉप टॉप, रेड एंड पिंक फ्लोरल पैटर्न है, स्वीट हार्ट नेक है इसका और इसका भी मटेरियल पॉलिएस्टर है। इसके मुझे ये पफी स्लीव्स एंड प्लेटेड डिटेल्स अच्छे लगे, बट मटेरियल वाइज मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर पहन के अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे रख लिया। पॉलिएस्टर फैब्रिक में भी कुछ सॉफ्ट होते हैं एंड कुछ थोड़े से रफ होते हैं ना, तो ये थोड़ा रफ टाइप का, इस वजह से मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट है ये ऑरेंज एंड रेड स्ट्राइप क्रॉप टॉप, ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया है और इसका फैब्रिक कॉटन है। इसका ये कटआउट स्टाइल एंड राउंड नेक सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे। रेगुलर वेयर के लिए ये परफेक्ट है और इसका फैब्रिक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब नेक्स्ट है ये वाइड लेग जीन्स जो कि मैंने अर्बनिक से लिया है। इसका लॉन्ग लेंथ है और बिल्कुल भी स्ट्रेची मटेरियल नहीं है ये, इसका फैब्रिक कॉटन है। इसका कलर एंड ये लॉन्ग लेंथ पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैंने जो क्लीन गर्ल रूटीन में ब्लैक पैंट दिखाया था ना, उसी के साथ लिया था। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये, तो इसके नीचे हील्स या फिर हाई प्लेटफॉर्म वाले शू वगैरह पहनेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ये क्रॉप टॉप और ये भी मिंत्रा का ही है, तो मैक्सिमम आइटम इसमें जो है वो मिंत्रा के ही हैं। इसका फैब्रिक प्योर कॉटन है, शर्ट कॉलर है इसमें। ये मैंने पहना तो मम्मी बोलती कि ये तो छोटा टी शर्ट है, मैंने भी बोला हाँ मम्मी ये वही छोटा टी शर्ट ही है। काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है डेली वेयर में, अगर आप ऐसा कुछ पहनते हैं तो आप ये पहन सकते हैं। नेक्स्ट ये भी वाइड लेग जीन्स है, सेम ग्रीन वाले की तरह, बस ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और ये मुझे पिक्चर में अलग और सामने से थोड़ा अलग लग रहा था। ये भी मैंने पता नहीं क्यों सोच के वापस नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना ये पसंद नहीं आया था, तो मैं वापस करने वाली थी, बट फिर पहन के थोड़ा मतलब ठीक लग रहा था तो मैंने नहीं किया इसको वापस। नेक्स्ट है ये H&M का क्रॉप टी शर्ट। इसके जैसा मैंने एक और लिया था ब्लैक कलर में, वो मैंने मेरे एक दो वीडियो में पहना है। बॉक्सी स्टाइल है, ड्रॉप्ड शोल्डर एंड वाइड स्लीव्स हैं, प्योर कॉटन फैब्रिक है इसका। ऐसे क्रॉप टॉप्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये टॉप जो है इस जीन्स के साथ तो जा ही रहा है, बाकी भी जीन्स के साथ अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट अब ये दोनों टॉप मिसगाइडेड के हैं। सबसे पहला है ये ब्लू एंड व्हाइट रेगुलर स्टाइल बैक टॉप, इसका स्वीट हार्ट नेक है, शॉर्ट पफ स्लीव्स एंड बैक पे टाई अप डिटेल है। इसका फैब्रिक स्टाइल सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, बस इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं शायद ही ये रखूं, क्योंकि इस टाइप के जो टॉप्स होते हैं ना, वो बिल्कुल फिटिंग के हो तो ही अच्छे लगते हैं, लूज हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और
और लास्ट है ये फ्रंट आई अप क्रॉप टॉप, प्योर कॉटन फैब्रिक है इसका, पफ स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न एंड रिपल स्टाइलिंग है, सब बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। मैंने इसे इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये पहन के एंड सामने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और बस कपड़ों में तो यही सारे थे, बट अब ये दोनों शूज हैं। वैसे मैंने तीन किए थे पर एक तो पुराना हो गया है, मतलब उसे मैं पहन चुकी हूँ एक दो बार, तो ये दोनों थोड़े न्यू है इसलिए मैं ये दोनों दिखा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये व्हाइट सॉलिड स्नीकर, यूनिसेक्स है ये, तो ये कोई भी पहन सकता है, पर साइज होना चाहिए। मेरे घर में मेरा और मेरी भाभी का साइज सेम है तो हम दोनों पहन सकते हैं ये। ये मैं बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने फाइनली ये ले लिया। अब मैं पता नहीं कब पहनूंगी, अभी तक तो संभाल के रखा है। शू में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और पहनना भी मैं वही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है ये पिंक लेदर स्नीकर, इस टाइप के शूज मुझे बहुत पसंद है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ ना तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा लुक वाइज, जबकि व्हाइट स्नीकर इससे ज्यादा महंगा है। इस बारिश में तो मैं इनमें से कोई भी नहीं पहनना चाहूंगी, क्योंकि जरा भी कुछ हुआ ना तो मेरी सांस अटक जाएगी, तो बारिश में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। हमारी बालकनी में कबूतर ने दो अंडे दिए थे और फिर उसमें से दो छोटे छोटे बच्चे भी निकले थे, फिर धीरे धीरे वो इतने बड़े हो गए हैं, अब इनकी मम्मी यहाँ पे इन्हें उड़ना सिखा रही है। फाइनली ये लोग उड़ पा रहे हैं, मतलब सिखा तो वो दो तीन दिन से रही हैं, तो अब ये लोग भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ेंगे। मम्मी का बर्थडे आने वाला है तो मैं इसलिए यहाँ मम्मी की वैक्सिंग कर रही हूँ। मेरी मम्मी ज़्यादातर नॉर्मली रहती हैं और कभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना भी होता है तो बस आईब्रोज एंड अपर लिप्स करवाती हैं, वैक्सिंग वगैरह नहीं करती हैं, और ये भी वो पार्लर में जाके करवाती हैं, मुझे कभी नहीं कहती हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं बिजी रहती हूँ। पर आज मैं थोड़ा फ्री थी और मैंने ही आज भी मम्मी को बोला कि चलो मैं आपका वैक्सिंग कर देती हूँ, वो तो बहुत मना कर रही थी, पर फिर मेरे लिए वो मान गई कि ठीक है चलो करवा लेती हूँ। वैक्सिंग तो मेरी मम्मी ने पार्लर में से बहुत टाइम से नहीं करवाया, क्योंकि एक बार कहीं तो पार्लर में मम्मी वैक्सिंग करवा रही थी और फिर उनके ऊपर एक गरम गरम वैक्स गिर गया था और उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी जल गई थी उस वैक्स की वजह से। मम्मी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो लोग ध्यान से नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये हुआ। मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगाती हूँ, अपने स्किन पर भी नहीं लगाती हूँ एंड दूसरों के पे भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी वैक्स गर्म होता है ना तो वैक्सिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म की नहीं ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वैक्सिंग करते टाइम आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी आप स्ट्रिप्स को खींचे अपने स्किन को टाइट करके खींचे, वरना आपकी स्किन भी निकल सकती है।
वैक्सीन करने के बाद यहाँ मैं मम्मी को पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल अप्लाई कर रही हूँ। ये अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये जेल ना हो तो आप कोई भी एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और अब मम्मी की वैक्सीन करने के बाद मैं जूस बनाने जा रही हूँ। हो क्या रहा है, मतलब यहाँ आज एक साथ इतने सारे कौवे, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। ये लोग यहाँ पे कब से चिल्लाए जा रहे हैं। खैर अब चलते हैं अपना जूस बनाने। इसके लिए मैं यहाँ खीरा, मिंट लीव्स, अदरक, लेमन एंड पालक यूज करूंगी। पहले इन्हें मैं कट करूंगी। इसका मैं यहाँ छोटा छोटा पीस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इजीली सबके घर में होती ही हैं और मार्केट में भी इजीली मिल जाती हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हो, हॉस्टल में रहते हो या फिर पीजी में रहते हो, तो ऐसे ड्रिंक्स अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। क्योंकि एक तो ये बनाने में तो इजी है ही, पर इससे आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। इसको कट करने के बाद इसमें मैं नींबू, जीरा पाउडर एंड पानी मिक्स करके पीस लूँगी। जीरा पाउडर मम्मी ने घर में ही बनाया था और इसमें नमक भी मिक्स कर रखा है, तो इसके लिए इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको स्वीट पसंद है तो आप इसमें हनी मिक्स कर सकते हैं, जीरा पाउडर मत डालें। इसमें हनी या फिर जीरा पाउडर और नमक ज़रूर मिक्स करें, वरना इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। ये ड्रिंक एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए परफेक्ट है, स्पेशली अगर आप इसे मॉर्निंग में पीते हैं ना, तो कुछ दिनों में ही आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ये हेयर एंड स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय तो किया ही हो, पर कुछ यूजफुल चीज़ें भी मिली हो इसमें। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।